गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स टुडे वी आर केम टू द एंड ऑफ द चैप्टर वन ओके एक्सरसाइज फाइव पेज फोर्टी सिक्स सॉल्व द गिवन वर्ड प्रॉब्लम देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है टीना हैज़ two dolls. शी buys three मोर dolls. टीना हैज़ two dolls. टीना के पास कितने dolls है Two, one, two. देन शी buys three मोर dolls. उसने और three मोर three dolls खरीदा है ना बाइस का मतलब क्या है खरीदना और उन्होंने three खरीदा है टीना ने One, two, three. देन हाउ मैनी एक बात देखिए मैनी और ए ऑल मैनी और ऑल आता है तो प्लस होता है क्या होता है प्लस कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है जहाँ मैनी और ऑल आता है तो प्लस होता है इसका मतलब सबको साथ ऑल यानी सबका साथ तो अभी फर्स्ट बॉक्स में अपन देखिए फर्स्ट बॉक्स में अपन क्या लिखने वाले फर्स्ट बॉक्स में टू फर्स्ट बॉक्स में अपन टू लिखने वाले हैं क्योंकि फर्स्ट में क्या है कितने डॉल्स है टू तो यहाँ पे टू लिखेंगे प्लस फिर नेक्स्ट में कितने और कितना ख़रीदा है उसने थ्री डॉल्स ना वन टू थ्री तो उधर थ्री सेकेंड बॉक्स में तो टू प्लस थ्री तो टू टू लाइन्स ड्रॉ करिए फिर थ्री लाइन्स ड्रॉ करिए फिर ऑल ऑल यानी कि अब साथ में टोटल कितना है वन टू थ्री फोर फाइव तो यहाँ पे आपको फाइव लिखना है टू प्लस थ्री इक्वल टू फाइव शी हैज़ फाइव डॉल्स इन ऑल पूरा कितना है उसके पास फाइव डॉल्स मैंने बोला था ना ऑल का मतलब फाइव अभी सेकेंड वाला भी मैं समझा रही हूँ देखिए इरफान हैज़ थ्री कैट्स इरफान हैज़ थ्री कैट्स ही ऑल्सो हैज़ टू रैबिट्स ही ऑल्सो हैज टू रैबिट्स देखिए कैट्स कितने अकाउंट कीजिए पहले क्या बोला उसने इरफान के पास कितने कैट्स है वन टू थ्री तो थ्री कैट्स है तो अपन फर्स्ट बॉक्स में थ्री लिखेंगे फिर ही ऑल्सो हैज़ टू रैबिट्स तो उसके पास कितने रैबिट्स है टू है ना वन टू देखिए टू है ना तो वो इस बॉक्स में लिखेंगे हाउ मैनी एनिमल्स ही हैज़ इन ऑल टोटल उसके पास कितने एनिमल्स है ऑल का मतलब मैंने बोला ये प्लस तो पहले अपन ने थ्री भी लिख दिया है टू भी लिख दिया अगर कोई पिक्चर नहीं है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि पिक्चर का इंतज़ार करना है आप सर्कल कर सकते हो उस नंबर पे ऐसे थ्री और टू पे ताकि सर्कल करके पे आप, आप फिल करने में आपके लिए इजी रहेगा इसलिए मैं कह रही हूँ आप जो भी नंबर आता है उस पर सर्कल कर दीजिए तो देखिए थ्री प्लस टू Equal to five. Three plus two equal to five. He has five animals in all. Total उसके पास अभी कितने animals हो गए फाइव ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू इस दोनों को आपके notebook में करना है And question number थ्री and फोर homework में आपको book में ही फिल करना मैं नहीं करूँगी आपको ख़ुद को ही करना है आपको मैंने समझा दिया है ना ऐसे है आप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे काउंट करिए पिक्चर्स ड्रॉ किया हुआ होना जरूरी नहीं है ऐसे ही सिर्फ सम भी आ सकता है एग्ज़ाम में भी आप डायरेक्ट आप ऐसे नंबर्स को सर्कल करके फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट बॉक्स में फिल करो और सेकेंड नंबर है तो उसको भी सर्कल कर लो और उधर फिल करो फिर प्लस करके लिख सकते हो ओके थैंक यू